G20 समिट की मेजबानी को लेकर शाह मार्केट के व्यापारी भी काफी उत्साहित हैं। व्यापारियों का कहना है कि इस G20 समिट से दुनिया के सामने बदलते भारत की नई तस्वीर सामने आएगी। आज पूरी दुनिया की नजरें हमारे भारत पर टिकी हुई हैं और जल्द ही भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरने जा रहा है। ये उदाहरण है कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत को कितनी डेवलपमेंट और भारत की नए चेहरे के रूप में एक भारत की बदलती तस्वीर दिख रही है और पूरे विश्व का इस समय निगाह भारत के ऊपर टिकी हुई है, चाहे वो रशिया हो, चाहे चीन हो या तुर्की में अभी जो हुए भूकंप प्राधिकरण में भी आप देखिए जो भूकंप आया तुर्की में उसमें आदरणीय मोदी जी ने राहत सामग्री से लेकर भारत की सेना तक को वहाँ पर भेज के राहत कार्य कराने के लिए एक जो मैसेज दिया कि भारत किसी का भी दुश्मन नहीं है और बदलते समय में जब किसी के साथ आपदा आती है तो भारत उसके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहता है। और बात करें डेवलपमेंट की तो मैं ये देखता हूँ कि जिस तरीके से आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में मोदी जी ने डेवलपमेंट भारत के अंदर किया है उसी को देखते हुए विश्व के सारे प्रतिनिधियों ने आदरणीय मोदी जी को G20 का नेतृत्व करने के लिए उनको कमान सौंपी है। ये बहुत सही बात है, आप अनिल भाई सही कह रहे हैं क्योंकि विश्व ये जान चुका है कि भारत विश्व गुरु बन के उभरेगा और भारत जो विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में भी उभर रहा है। और जिस तरीके से पाकिस्तान में आटा 180 रुपये किलो हो गया, श्रीलंका में पेट्रोल नहीं है, नेपाल में डीजल नहीं है, खाने के लिए आटा नहीं है, भारत में रहने वाला हर व्यक्ति संतुष्ट है और खुशहाल है। भारत के ये एक भारत की नीति जो नीति है आदरणीय मोदी जी की नीति के आधार पर मोदी है तो मुनकिन है वाले पैटर्न पे काम चल रहा है और ईमानदारी से सबका साथ सबका विकास के पैटर्न पे काम कर रहे हैं। राहुल गांधी क्या कहते हैं और क्या कहते हैं जो तो जनता अच्छी तरीके से जानती है। राहुल गांधी के कहने में कथनी में और करने में बड़ा फर्क है तो इसलिए उनकी बात का मैं तो नहीं समझता कोई, मैं तो पता नहीं आप किसका नाम ले रहे हैं, राहुल गांधी का तो कोई है जो स्टेटस ही नहीं समझता मैं मोदी जी के आगे।